एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू ज़ारा टेस्टी किचन। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ पंजाबी तड़का मैगी। बहुत ही यम्मी है और मैगी लवर्स के लिए फिर से ये एक ख़ास डिश है और डिफरेंट इसका टेस्ट है थोड़ा सा, बट मैगी का जो तड़का है वो आएगा ओरिजिनल मैगी का, बट उससे थोड़ा सा ये इंडियन पंजाबी टच आएगा। तो इसके लिए मैंने पैन लिया और पैन में मैंने तेल गरम किया, उसके बाद इसमें डाल दी प्याज। प्याज को हल्का सा सॉफ्ट कर लेंगे, सौते कर लेंगे। और ये एक टमाटर कूट पड़े हैं बिना परमिशन के, इनको मैंने निकाल दिया है। खैर, तो ये प्याज जो है बस ज़्यादा नहीं कुक करना, बस इतना करना है कि थोड़े से प्याज जो है सॉफ्ट हो जाए और ट्रांसलूसेंट हो जाए, और उसके बाद हम लोग इसमें टोमेटोज ऐड कर देंगे। आप चाहें तो गोल्डन गोल्डन कर सकते हैं, फिर मैगी का कलर थोड़ा सा स्पॉइल सा हो जाता है मेरे हिसाब से, तो इसलिए मैं ज़्यादा कलर नहीं कर रही हूँ। फिर मैंने टमाटर डाल दी, फिर डाल दिया मैंने हल्दी, और उसके बाद मैंने डाल दिया रेड चिली पाउडर और जाएगा नमक। नमक डालने से प्याज टमाटर अच्छे से जल्दी से कुक भी हो जाएंगे और अच्छे तरीके से गल जाएंगे। इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हल्का सा पका लेंगे, यानी कि भून लेंगे जैसा कि आप देख रहे हो। तो अब सब गार्लिक वगैरह का फ्लेवर अच्छे से आ गया है इन मसालों में, और इससे मैंने पानी डाल देना है। यहाँ पे मैं 2 packs ऑफ मैगी बना रही हूँ, तो इसमें मैंने 2 cup मैगी डाला, पानी डाला है। मेजरमेंट मैगी में लिखा होता है, आप उसको उसके हिसाब से चेक कर सकते हैं। उसके बाद इस तरीके से पानी में जब उबाल आने लगे, आप देख सकते हैं काफ़ी हाई बॉइलिंग स्टेज पर अभी पानी है, तो इस टाइम पर अपने मैगी केक्स हम लोग डाल देंगे और डाल के इसको पहले 30 to 40 seconds के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे विदाउट टचिंग। और जब ये नीचे से सॉफ्ट हो जाएंगे उसके बाद इसको टर्न करेंगे। रीज़न ये है कि मुझे मैगी लंबे पसंद है, मीन्स मुझे टूटी हुई मैगी बिल्कुल नहीं पसंद है, और मुझे सिप करके खाना पसंद है, इस वजह से मैं इसको तोड़ती नहीं हूँ। ये देखें आप, फिर इसको मैंने बीच से खोल दिया और इससे जो मैगी है बिल्कुल लंबे लंबे बनते हैं इस तरीके से। और अगर आप इस तरह नहीं बनाना चाहते तो आप तोड़ के छोटे छोटे टुकड़े भी कर सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। और ये करने के बाद अब जो पानी है वो सुखा लेंगे और पानी हिसाब से ही डालेंगे। मैगी ओवर कुक हो गई तो सब कुछ स्पॉइल हो जाएगा। मैगी थोड़ी अनडन रहेगी तो वो बाद में डन हो जाएगी, लेकिन अगर वो ओवर कुक हो जाएगी तो फिर वो पूरा आपकी डिश ख़राब हो जाएगी। अब दूसरा पैन लेना है, पैन में कर देना है बटर को गर्म। मैगी मैंने निकाल ली एक बोल में, और पैन उसी पैन में मैंने वॉश करके उसमें 2 tablespoons बटर डाल दिया, फ्रेश चॉप्ड गार्लिक डाल दी, गार्लिक को चॉप किया था मैंने बारीक बारीक। इनको जब तक कि फ्राई करेंगे कि गोल्डन हो जाए, क्योंकि गोल्डन करने से थोड़ा सा क्रंच आ जाएगा गार्लिक में और अच्छा सा गार्लिक की टेस्ट भी आ जाएगा। तो इसको मैं इसलिए थोड़ा गोल्डन कर रही हूँ, और तड़के में थोड़ा सा गोल्डन कलर रहेगा तो ये बहुत अच्छा लगेगा मैगी के लिए। तो ये देखें आप, मैगी का मैगी के लिए जो तड़का है वो ऑलमोस्ट गार्लिक हो गया है। तो अब इसमें मैगी मसाला जो था वो मैं डाल दे रही हूँ, टेस्ट मेकर जिसे बोलते हैं, और वो डालने के बाद सूखी लाल मिर्च 3 से 4 डाल दी। बिल्कुल भी तीखी नहीं होती, बस बड़ी क्रंची लगती है अगर आप इसे साथ में खाओ तो। और उसके बाद इसमें कश्मीरी रेड चिली पाउडर मैंने डाल दी, और उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी गरम मसाला। गरम मसाला मैंने 1/4 teaspoon डाला है, एंड प्लीज़ अवॉइड बैकग्राउंड नॉइज़, आई एम सो सॉरी। वेल, जो कुक्ड मैगी थी वो मैंने इसमें डाल दिया, और इसको डालने के बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ताकि जो तड़का है वो बहुत अच्छे से मैगी में कोट हो जाए, सारे स्पाइसेस अच्छे से घुल मिल जाए। उसके बाद आपकी पंजाबी तड़का मैगी बिल्कुल तैयार हो चुकी है, और इसके बाद इसको आप सर्विंग प्लेट में निकालें, आप बोल में निकालें, और बारीक कटी हुई हरी धनिया डाल दें, आपके यमी सा पंजाबी तड़का मैगी तैयार है। आई होप यू लाइक माई वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह।